हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं विश्व भूगोल के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये टेस्ट की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप इन 50 में से कितने सही कर पाते हैं इस टेस्ट को लगाने के बाद में बताइएगा। और जितने भी क्वेश्चन आपसे आते होंगे आप साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। और प्लीज अगर टेस्ट पसंद आता है तो यार लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों को शेयर किया करें ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके। ये अच्छी अच्छी इतनी वीडियो मैं बना रहा हूं, इनको आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, भूगोल के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड मिलेंगे, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बिल्कुल सही, यहां पे राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइएगा, सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया। तो बिल्कुल सही है, यहां पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल सही, तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4, बिल्कुल सही, 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। 5 का बताइएगा राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल सही है, अगर आप यहां पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर ए हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को, ठीक है, ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, अगर आप यहां पे ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सही, 7वें का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल सही है, यहां पे अगर आप ऑप्शन 8 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही, यहां पे 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं। बिल्कुल सही, यहां पे 10वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहां पे दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल सही, 11वें का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मकर रेखा। क्वेश्चन नंबर 12, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने से अक्षांश रेखाओं की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल सही है, अगर आप यहां पे ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल सही है, यहां पे राइट आंसर ए हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ध्रुवों की ओर जाने पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो बिल्कुल सही है, 13 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सौरमंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं? तो सभी को पता है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बिल्कुल सही, 15 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आकाश तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों राइट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य किसे कहा जाता है? तो 18 का यहां पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? 17 का मैंने बता दिया था ना। हाँ, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए, अगर टेस्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज आप बिना बोले ही लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ, बट यार आप लाइक नहीं करते तो फिर बोलना पड़ता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। ट्वेंटी वन का राइट आंसर बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संध्या का तारा किसे कहा जाता है? ट्वेंटी टू का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 23, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो 23 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल सही है, सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो 25 का राइट आंसर भी आपको पता होगा, राइट आंसर यहां पे हो जाएगा बी। फोबोस तथा डिमोस किसके उपग्रह हैं? ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्वेंटी सेवन, किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, किस ग्रह पर वलय पाए जाते हैं? तो इसमें भी आपका दोनों हो जाएंगे, शनि और यूरेनियस, यानी कि ऑप्शन ए और बी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 29,
चंद्र ग्रहण की स्थिति सामान्यतः कब घटित होती है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे सभी को पता होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य ग्रहण की घटना कब घटित होती है? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी की आयु कितनी है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 32, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 32 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 33, सियाल परत का निर्माण किससे हुआ है? तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों राइट रहेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 35, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? थर्टी फाइव का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 36, नीफे परत में किसकी प्रधानता होती है? नीफे परत में, तो यहाँ पे देखिए इसमें निकल की भी होती है और लोहा अयस्क की, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो 37 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, कोणार्ड असंबद्धता कहाँ व्याप्त है? तो बिल्कुल सही, 38 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 39, ऊपरी व निचली मेटल के बीच सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कहलाते हैं? सॉरी, तो बिल्कुल सही, 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लेहमैन, क्वेश्चन नंबर 40, लेहमैन असंबद्धता किन परतों के मध्य पाई जाती है? तो आपका 40 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 41, विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो 41 सभी को पता होगा आपको, ये ए राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और अगर भारत की पूछी जाए तो ऑप्शन बी हो जाता है, कंचनजंगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो बिल्कुल सही, 42 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 43,
तो बिल्कुल सही यहाँ पे 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस देश में स्थित है? तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि इंडिया में है, इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। ठीक है, तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो बिल्कुल सही है, 45 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस तथा हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पे 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 47, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन डी अगर आप लगा रहे हैं तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 46 का ए था और 47 का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 48, एकांका गुआ पर्वत किस देश में स्थित है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ब्लैक पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अरावली, राजमहल, नीलगिरी तथा सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत हैं? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सी लगाने तो वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इनके यहाँ पे आंसर है और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा सारी पीडीएफ। और देखिए अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सौरभ मलिक, SAURABHMALIK मलिक सर्च करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ। अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।